हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा हर्बल टिप्स। और आज मैं आपको बताऊंगी होममेड हेयर मास्क। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बनाएंगे ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हेयर्स के लिए बनाना का हेयर मास्क। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमको चाहिए बनाना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बनाना हमारे बालों पर किस तरीके से वर्क करेगा। बनाना में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे बालों को पर्याप्त हाइड्रेशन देते हैं। साथ ही बनाना है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। साथ ही बनाना में सिलिका होता है जो हमारे बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और बनाना हमारे बालों से डैंड्रफ को भी कम करता है। और अगर हमारे बालों में ड्राई और फ्रिजीनेस है तो ये इसको भी दूर करता है। बनाना हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही हमारे बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। तो ये तो हुए बनाना के बेनिफिट्स। उसके बाद हमको चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को सॉफ्ट और सिल्की और शाइनी बनाता है। साथ ही ऑलिव ऑयल से मसाज करने पर हमारा हेयर फॉल कम होता है और हमारे जो बाल हैं उनका टेक्स्चर अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल में ऑल यूरोपिन नामक एक तत्व होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही ऑलिव ऑयल हमारे डैंड्रफ को भी कम करता है। ऑलिव ऑयल हमारे बालों को काला और घना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही ये हमारे जो टाइम से पहले जो वाइट ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी दूर करता है। और इसके बाद हमको चाहिए हनी, जो हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि कभी हम हनी वाटर पीते हैं और बच्चों को भी कभी हम हनी देते हैं, तो इसीलिए हमारे घर में बहुत इजीली हनी मिल जाता है। और हनी जो है उसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही हनी हमारे बालों को, हनी में एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है जो हमारे बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। साथ ही हनी हमारे बालों से डैंड्रफ को निकालता है और हेयर फॉल को रोकता है। हनी हमारे जो हेयर फॉल है उसको भी कंट्रोल करता है। और अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है तो ये हनी जो है इस समस्या को भी दूर करता है। तो चलिए बनाते हैं होममेड बनाना हेयर मास्क। बनाना हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक बनाना मीडियम साइज़ का। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाना जो है दो बनाना भी ले सकते हैं अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं तो। अगर आपके बाल मीडियम लेंथ के हैं तो एक बनाना सफिशिएंट रहेगा। और हमें चाहिए हनी, ऑलिव ऑयल और एक जार जिसमें हम जो है पेस्ट को ग्राइंड करेंगे, और एक बोल और एक चम्मच, एक स्पून। बनाना हेयर मास्क बनाने के लिए हमको लेना है एक जार ग्राइंड करने के लिए, और इसमें हम एक बनाना को पील कर इसमें डालना है हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, पेस्ट बनाना है। तो हमने यहाँ पे एक बनाना लिया है और अब हमें इसमें डालना है ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। और अब हमें इसमें डालना है दो चम्मच ऑलिव ऑयल। और अब हमें इसमें डालना है दो चम्मच हनी। और अब हमें इसे ग्राइंड करना है अच्छे से, इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए मैंने हेयर मास्क को ग्राइंड कर लिया है और अब ये एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में बन गया है। और अब हमें इसे एक बोल में निकालना है। तो ये बन गया हमारा बनाना हेयर मास्क। और अब इस हेयर मास्क को आपको लगाना कैसे है, आपको क्या करना है, आपको पहले बालों को शैम्पू कर लेना है
उसके बाद आप इस हेयर मास्क को अपनी रूट्स और अपनी लेंथ सारे में लगा लीजिए और बन बना लीजिए। और जब 40-50 मिनट्स हो जाएं उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू से धो लीजिए। और धोने के बाद जो है आपके बाल जो फ्रिजीनेस थी और जो आपके बालों का टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके बाल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपके बालों की हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 ऐसे सीड्स जिनको खाने से, अपनी डाइट में शामिल करने से जो आपके बालों की ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं दिया है देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। और अब हम इस बनाना हेयर मास्क को अपने बालों में अप्लाई करेंगे। और हेयर मास्क लगाने से पहले सबसे पहले आपको अपने बालों को डिटेंगल करना है अच्छे से। ये मैंने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लिया है और अब आप फिंगर से लगा सकते हैं या फिर अगर आप ब्रश से लगाना चाहें तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो ये हेयर मास्क मैंने ले लिया है और इसको मैं ऐसे करके ये मैंने जो हेयर मास्क है सारा अपने बालों में लेंथ पर और रूट्स में लगा लिया है और अब हम इसका बन बनाएंगे। तो ये मैंने हेयर मास्क लगा कर अपने बालों का बन बना लिया है। अब हम इसे 40 मिनट्स तक रखेंगे और उसके बाद मैं बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे जो बाल हैं ना वो कितने सिल्की सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं घर पर DIY फेस वॉश बनाना तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने आई बटन पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं।